बीजेपी नेताओं पर हुई एफआईआर, जबरन मंजूरी लेने का लगा आरोप, देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा में चूक। अपने बयानों से अक्सर चर्चा में रहने वाले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे एक बार फिर नए विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं। उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। झारखंड पुलिस ने बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी, निशिकांत दुबे, उनके दो बेटे, देवघर हवाई अड्डे के डायरेक्टर सहित कुल 9 लोगों के खिलाफ कथित तौर पर देवघर से टेक ऑफ के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल से जबरन मंजूरी लेने के मामले में ये एफआईआर दर्ज की गई है। जानकारी के मुताबिक ये घटना बीते महीने 31 अगस्त की है। निशिकांत दुबे झारखंड के दुमका में पेट्रोल अटैक में हुई अंकिता की मौत के बाद उनके परिजनों से मिलने सांसद मनोज तिवारी और कपिल मिश्रा के साथ दुमका गए थे। इस दौरान सांसद चार्टर्ड प्लेन से देवघर के हवाई अड्डे पर उतरे थे। सांसद के साथ उनके दोनों बेटे और अन्य लोग भी शामिल थे। दुमका से लौटने के दौरान सांसद शाम को करीब 5:30 बजे एयरपोर्ट पर पहुंचे और चार्टर प्लेन में सवार हो गए, लेकिन ATC ने उड़ान भरने की इजाजत उनको नहीं दी। लिहाजा पायलट समेत सांसद दुबे और उनके दोनों बेटे मनोज तिवारी, सुनील तिवारी, ये सभी लोग जबरन ATC की बिल्डिंग में दाखिल हो गए और ATC अधिकारियों से जबरन क्लियरेंस लिया और दिल्ली के लिए इन्होंने उड़ान भरी। DSP रैंक के अधिकारी जो एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, उन्होंने कुंडा थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए कहा है कि इन सब ने जबरन ATC की बिल्डिंग में घुसकर दबाव बनाते हुए ना सिर्फ नियमों को तोड़ा है बल्कि सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हुए जबरन उड़ान भरने के लिए भी क्लियरेंस लिया और दिल्ली के लिए टेक ऑफ कर गए। तो वहीं इस मामले के बीच सांसद निशिकांत दुबे ने आज तक चैनल से बात करते हुए बताया है कि झारखंड सरकार नहीं चाहती है कि देवघर एयरपोर्ट सुचारू रूप से चलता रहे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मालिक और देवघर एयरपोर्ट के डायरेक्टर के खिलाफ भी FIR दर्ज कर दी। निशिकांत दुबे ने खुद को एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन बताते हुए कहा कि वो ATC रूम में जा सकते हैं क्योंकि वो एयरपोर्ट की एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन हैं और BJP सांसद मनोज तिवारी सिविल एविएशन कमेटी के सदस्य हैं, तो वो दोनों ही ATC रूम में दाखिल हो सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने इस मामले में ये भी सफाई दी कि अगर ATC क्लियर नहीं होती तो पायलट का लाइसेंस कैंसिल हो जाता। उड़ान भरने के लिए केवल एक ATC नहीं लेनी होती, दिल्ली तक जाने के लिए 4 ATC क्लियर होती हैं, तो क्या सभी ATC झूठ बोल रही हैं? तो वहीं नाइट लैंडिंग की बात पर भी वो आए। उन्होंने कहा कि देवघर में शाम 6:06 पर सनसेट हुआ था और हमारा प्लेन 6:17 उड़ा था। बहरहाल अब देखना है कि आखिर इस मामले में आगे क्या अपडेट आती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।